लोग मीडिया में बांट देते, वो कहते हैं कि लोकतंत्र की खतरा होगा, संविधान खतरे में। आज बिहार के नौनिहाल, बिहार के भविष्य पर लाठीचार्ज हो रहा है, क्या ये संविधान खतरे में नहीं है, लोकतंत्र खतरे में नहीं है? आप पिटाएंगे तो लोकतंत्र खतरा में आ जाता है, और छात्र पिटाता है तो लोकतंत्र तो मजबूत हो जाता है। ये लोग का ये जो नीति है, बिहार सरकार और पक्ष और विपक्ष का एक ही इच्छा, बिहार के छात्र मांगे भिक्षा, जो कदापि बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे, और बिहार के छात्रों में उठाना है, इस पर सरकार को हटाना है। जो छात्र की बात करेगा वही छात्र के वोट पे राज करेगा। इनके शिक्षा मंत्री का तो हम लोग योग्य नहीं है, सबसे ज्यादा योग्य यही है। कौन योग्य है? यो जो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी कह रहे हैं कि बिहार के युवा है जो योग्य नहीं है इसके लिए, वो बहुत ज्यादा योग्य है। शिक्षक नियमावली के बारे में इनको कुछ ज्ञान नहीं है, और बार बार शिक्षक नियमावली के साथ छेड़छाड़ करते हैं, बदलाव करते हैं। सबसे पहले बात तो ऐसे शिक्षा मंत्री को पद से त्याग दे देना चाहिए जिनको पता नहीं है ये बिहार के टैलेंट को चुनौती दे रहे हैं। इनकी हैसियत औकात है बिहार की युवाओं से टैलेंट करने का? आप बुला लीजिए, आप अपने आवास पर बुला लीजिए और दीजिए हमको छूट। हम आपके आवास पर पूरे बिहार के कोने कोने से मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश जिस विषय के छात्र खोजिएगा, अब एजुकेटेड छात्र, जो योग्य छात्र है, जो शिक्षक अभ्यर्थी है, आपके सरकारी आवास पे लाके धर देते हैं। आप दीजिएगा नौकरी। से डर है आपको? एग्जाम से डर? आपको एग्जाम से डर है? एग्जाम से डर है? किसी को डर नहीं है? डर नहीं है, सिर्फ डोमिसाइल नीति खत्म कर। हम लोग की एक मांग है कि बाहरी भगाओ, बिहार बचाओ। अच्छा, बिहार के युवाओं को रोजगार मिले, डोमिसाइल नीति से ही डर है आपको? डोमिसाइल नीति से डर है, डोमिसाइल नीति को लागू कर दिया जाए। परीक्षा से डर नहीं है? परीक्षा से डर नहीं है। हम लोग कलम पर भरोसा है? हाँ, कलम पर भरोसा है, पूरा भरोसा है कलम पर। नमस्कार, हमारे साथ कुछ शिक्षक अभ्यर्थी हैं और इनका यूज बिहार में इस समय राजनीतिक मुद्दों पर किया जा रहा है। बिहार के इतिहास में सबसे बड़ी वैकेंसी जो है शिक्षक अभ्यर्थियों की आई हुई है, 1,73,461 पद की वैकेंसी है, और इसमें आए दिन हर 10 दिन पर कुछ न कुछ संशोधन कर दिया जा रहा है। कुछ दिन पहले संशोधन में ये आया कि बीपीएससी एग्जाम लेगी। छात्र काफ़ी इससे आक्रोशित हुए, लेकिन तमाम टीचर लोग जो थे इनसे अपील करते रहे कि आप लोग शांत रहिए, जब आप लोग पढ़े लिखे हैं तो फिर परीक्षा देने से क्यों भाग रहे हैं। तमाम अपील के बाद छात्र ये मान गए कि ठीक है, हम बीपीएससी का एग्जाम देंगे। लेकिन उसके बाद भी एक बड़ी अपडेट आ जाती है, जो बड़ी संशोधन होती है, वो ये होती है कि बिहार के युवा बेरोजगार तो हैं ही, अब पूरे देश के युवा शिक्षक अभ्यर्थी का फॉर्म अप्लाई करेंगे और बिहार के बेरोजगार युवाओं के साथ कंपटीशन में बैठेंगे। इससे बिहार के युवा जो बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे युवा जो हैं, काफ़ी युवा बेरोजगार हैं, समझ ही सकते हैं बिहार में बेरोजगारी किस चरम पे है। अब समझ सकते हैं कि पूरे भारत से जब युवाओं को आमंत्रित किया जाएगा तो इनका कंपटीशन लेवल कितना बढ़ जाएगा। अब सोचिए, ये सभी बिहार शिक्षक अभ्यर्थी हैं और इनका क्या दशा है आप समझ सकते हैं। इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए यहाँ पे इन लोगों के साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। पूरा बीपीएससी एग्जाम लेने वाली थी आप लोगों की, काफ़ी तमाम उतार चढ़ाव के बाद आप लोग मान भी गए कि बीपीएससी का एग्ज़ाम हम लोग देंगे, तो उसके बाद भी एक नया संशोधन आ जाता है कि पूरे भारत से आमंत्रित होते हैं छात्र कि आइए ना बिहार में और हम आपको शिक्षक बनाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात है कि बिहार के छात्रों के साथ जिस प्रकार से खिलवाड़ हो रहा है, उनके भविष्य के साथ जिस प्रकार से खिलवाड़ हो रहा है, ये पूरे देश देख रहा है और बिहार की जनता और बिहार के लोग इसी बात के उग्र है। हम बिहार इतना समृद्ध नहीं हो गया है कि हम दूसरे राज्य को अपने यहाँ रोजगार दें। हमारे यहाँ बिहार से, या शिक्षक की बात कर लीजिए, या छात्र की बात कर लीजिए, या मजदूर की बात कर लीजिए, दूसरे राज्य में नौकरी के लिए भटक रहे हैं, और हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री, हमारे यहाँ के शिक्षा मंत्री इतना ज्ञानी हो गए जो अब कर रहे हैं। ये तो शिक्षा अभ्यर्थी का जो खेल है, ये 2019 से आज 2023 तक इनको साथ खेला जा रहा है, जिस प्रकार से आप देखते होंगे कि 4 से 5 साल हो गया। हाँ, देखिए, बिहार में हर चीज का डेट बढ़ा दिया था। आप एग्जाम का बात करिए, चुनाव का बात कर लीजिए, हर चीज का डेट बढ़ता जाता है, और इसी प्रकार से शिक्षक अभ्यर्थी को 2019 से 2023 तक के छात्रों पे, सड़कों पे उठा उठा के पटका जा रहा, पीटा जा रहा है, माथा फाड़ दिया जा रहा है। इस प्रकार से बर्बरतापूर्ण प्रशासन कार्रवाई करिए, जैसे मान लो कि शिक्षक अभ्यर्थी नहीं, कहीं क्या नस्लाइट अपराधी आ गए हैं, फिर बकरी हो, ये बिल्कुल उसी प्रकार से बर्बरतापूर्ण पिटाई करना, ये शांतिपूर्ण उग्र आंदोलन थोड़ी करते। एक भी शिक्षक अभ्यर्थी देखिए जो सभा है, ये खाली कलम कॉपी और ये लेके आए हैं, इसके इन्हीं लोगों के पास एक भी डंडा लाठी पहना है या ईंटा पत्थर है? इन लोगों का जिस प्रकार से बर्बरता पूर्ण पिटा किया गया, ये बिहार के उन छात्रों को पिटा जा रहा है, उनके भविष्य को कुचला जा रहा है, जो अपने संभाल रहे थे 2019 से 2023 तक इस बात का इंतजार कर रहे थे कि अब हमको शिक्षा का नौकरी हो जाएगा, अब हमको शिक्षा का नौकरी हो जाएगा। बिल्कुल, जब वैकेंसी आई थी तो इतनी बड़ी वैकेंसी बिहार के इतिहास में कभी नहीं आई थी, और सभी जो भी सीटेट क्वालिफाई थे, सबको एक उम्मीद हो गया था कि अब हमारा शिक्षक का जो नौकरी है लगभग पक्की हो चुकी है। बिहार
बिहार में जो भी छात्र सीटेट क्वालिफाई कर जाते थे उनको एक उम्मीद हो जाता था कि हम शिक्षक बन जाएंगे, लेकिन अपडेट आती है कि अब सीटेट से काम नहीं चलेगा, अब बीपीएससी एग्जाम लेगी, बीपीएससी क्वालिफाई करिएगा तब आप शिक्षक बनिएगा। आप बीपीएससी एग्जाम देने के लिए तैयार हो गए थे? तैयार हो गए, लेकिन हम लोगों में नीतीश इनके शिक्षा मंत्री का हम लोग योग्य नहीं है। सबसे ज्यादा योग्य यही है। कौन योग्य है? यो जो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी कह रहे हैं कि बिहार के युवा है जो योग्य नहीं है इसके लिए, वो बहुत ज्यादा योग्य है। जो ये कह रहे हैं जो नेता है जो अपने नौवीं फेल को ही अपना नेता मान लिया, जो हम लोग बीपीएससी क्लियर करके हम लोग योग्य कहाँ मानेंगे हम लोगों को? अच्छा। देखिए किस प्रकार से युवाओं को पीटा जा रहा है, जरा कैमरा दिखाइएगा इधर एक मिनट, किस तरह से इनको पीटा गया है देखिए, और पूरा नाक भूभूत फूट चुका है। जाति नहीं है, ये लोग सिर्फ शांति से तरह से प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हम लोगों का मान्य मांगा जाए, जो मिसाइल नीति लागू किया जाए। सबसे पहली बात थी कि जो बिहार के शिक्षा मंत्री जी हैं, ये इनका पता चला हमको, पेशा से प्रोफेसर है लेकिन 5 साल से अपने कॉलेज में पढ़ाने नहीं गए हैं। अच्छा। राजनीति में बेचैन हैं और इनके नाम के आगे भी प्रोफेसर लगे, लेकिन इनके डिग्री पे हमको शक है। शिक्षक नियमावली के बारे में इनको कुछ ज्ञान नहीं है, अब बार बार शिक्षक नियमावली के साथ छेड़छाड़ करते हैं, बदलाव करते हैं। सबसे पहले बात तो ऐसे शिक्षा मंत्री को पद से त्याग दे देना चाहिए। अच्छा। जिनको पता नहीं है ये बिहार के टैलेंट को चुनौती दे रहे हैं, इनकी हैसियत औकात है बिहार की युवाओं से टैलेंट करने का? आप बुला लीजिए, आप अपने आवास पर बुला लीजिए और दीजिए हमको छूट। हम आपके आवास पर पूरे बिहार के कोने कोने से मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश जिस विषय के छात्र खोजिएगा, अब एजुकेटेड छात्र जो योग्य छात्र है, जो शिक्षक अभ्यर्थी है, आपके सरकारी आवास पर ला के धर देते हैं, आप दीजिएगा नौकरी। ये बिहार के युवाओं को जो टैलेंट को चुनौती दे रहे हैं इनको सुनना पड़ेगा। यही बिहार के युवा जो यहाँ पूरे देश के सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस देने का काम करता है। युवाओं का एक कहना है कि हम परीक्षा से नहीं भागते हैं, जितना परीक्षा लेना है ले लीजिए, लेकिन दूसरे राज्य के छात्र जब यहाँ आएंगे तो हमारे राज्य के जो एवरेज छात्र हैं, पढ़े लिखे छात्रों को कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जो एवरेज छात्र हैं जिनका 100 में 60 नंबर आता है, 55 नंबर आते हैं, उनको भी एक उम्मीद था कि इतनी बड़ी वैकेंसी है हमारा नौकरी हो ही जाएगा, उनका अब नौकरी संकट में है। बिल्कुल, देखिए मैं बोलना चाहता हूँ कि बिहार एक गरीब राज्य है, हमारे पास संसाधन बहुत कम है। हाँ। और जब आपका घर में गरीबी हो तो आप पहले अपने घर के बच्चों को खिलाते हैं, बिल्कुल, उसके बाद आप बाहर देते हैं। हाँ, हमारे पास इतना कुछ है ही नहीं, और जो भी थोड़ा मोड़ा वैकेंसी आया है तो पहले बिहार में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है, इस बात को समझिए, इस गंभीरता को भी समझिए इसको लेके, और हम लोग उसको नज़रअंदाज करके बाहर दे रहे हैं। अरे आपको बिहार के छात्रों ने चुना है, आप किसकी सेवा कीजिएगा? और कह रहे हैं आप बिहार की, और कह रहे हैं कि मैथ और साइंस के मतलब मेरे पास मतलब स्टूडेंट नहीं है, तो हम मतलब इस चैनल के माध्यम से आपको बता देना चाहते हैं कि मतलब हम सीटेट 2019 से पास हैं। अच्छा। और मैथ से हम पीजी किए हुए हैं। अच्छा। और कहते हैं कि 1 से 5 करने के लिए मतलब टीचर के लिए एलिजिबिलिटी मतलब बिहार गवर्नमेंट के लिए नहीं है, कमी है। और सुनिए 2019 में पीजी किए हुए हैं मैथ से, बिल्कुल, अब सोच सकते हैं इनकी अवस्था क्या है 2019 में जब पीजी किए हैं, तो अभी तक बेरोजगार घूम रहे हैं, तो सोचिए बिहार की बेरोजगारी दर कहाँ है। 2019 का ही सीटेट पास, सीटेट भी पास है 2019 से ही, बताइए। 19 से लोग सड़कों पे लाठी खा रहे हैं, 19 से ये कोई बड़ी बात नहीं है। और जो बिहार के आज भी आए थे तो आज भी वही, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी बैठ गए हैं और आज विदेश यात्रा पे चले गए घूमने, जरा देख लीजिए वीडियो किस प्रकार से छात्रों को बर्बरतापूर्ण पिटाई किया गया है, जब आप विपक्ष में थे और यही एनडीए सरकार जब छात्रों को सड़कों पे पीटता था और आप छात्र के समर्थन उतर के और डीएम को हड़काते थे, आज वही छात्र फिर पिटा रहा है, आपको सोचना चाहिए, इसको विचार करना चाहिए। क्या लगता है इनका यूज राजनीति के लिए किया जा रहा है, प्रधानमंत्री बनने के लिए युवाओं के पेट पर लात मार रहे? बिल्कुल, हमारा बिहार, और यही लोग कहेंगे, यही लोग जाकर के कहें कि लोकतंत्र की हत्या है, संविधान का खतरा है। अच्छा। जब ये लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और लाठी चार्ज होता है तो यही लोग मीडिया में बाइट देते हुए कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या होगा, संविधान खतरे में, आज बिहार के नौनिहाल, बिहार के भविष्य पर लाठी चार्ज हो रहा है, क्या ये संविधान खतरे में नहीं है, लोकतंत्र खतरे में नहीं है? आप पिटाएंगे तो लोकतंत्र खतरा में आ जाता है, और छात्र पिटाता है तो लोकतंत्र तो मजबूत हो जाता है। ये लोग का ये जो नीति है, और बिहार सरकार और पक्ष और विपक्ष का एक ही इच्छा, बिहार के छात्र मांगे भिक्षा, जो कदापि बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे, और बिहार के छात्रों ने उठाना है, इस बार सरकार को हटाना है, जो छात्र की बात करेगा वही छात्र के वोट पे राज करेगा। अच्छा, डोमेसाइल नीति लागू करने के लिए जो भी हंगामा हो रहा है, बस डोमेसाइल के लिए हंगामा हो रहा है, बीपीएससी से डर नहीं है, जितना परीक्षा लेना है ले लीजिए। टैलेंट इतना है कि बीपीएससी यूपीएससी का तो फैक्ट्री बिहार है, अरे अधिकारी का तो फैक्ट्री बिहार है, पूरे देश को हम सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस देते हैं, और यहाँ के युवा बीपीएससी से डरेंगे? अरे बीपीएससी से नहीं डरते, इन लोगों के नीति से डरते हैं। एक ही कहना है कि हमारी कलम में कोई कमजोरी नहीं है, जितना अग्नि परीक्षा लेना हो ले लीजिए, हमारी कलम में कोई कमी नहीं है। देखिए प्रधानमंत्री बनने का इनके अंदर एक
ख्याली पुलाव पकड़ा है और प्रधानमंत्री बनने के लिए पूरे राज्य को मुख्यमंत्री से जिस प्रकार से इकट्ठा कर लिए थे, आप चाहते कि पूरे छात्र को भी इकट्ठा कर ले, लेकिन इनका मानसिकता पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब बिहार के युवा, जब बिहार के छात्र एक एक धन के लिए, एक रोजगार के लिए लाठी खाएंगे और आप पूरे, आपको पूरे दूसरे राज्य के लोग आपको मुख्यमंत्री कभी नहीं बना पाएंगे नीतीश कुमार जी, और आप प्रधानमंत्री बनने का जो ख्याली पुलाव पका रहे हैं, ये बिहार के छात्रों को भविष्य बर्बाद करके, बिहार के छात्रों पर लाठीचार्ज करके, बिहार के छात्रों को पीट करके जो आप प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं वो कदापि पूरा नहीं होगा। डाल दीजिए जेल में जितना डालना है, लेकिन दावे के साथ कहते हैं कि आने वाला 2025 आपको सत्ता से बेदखल नहीं कर दिए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। अच्छा, अगर डोमिसाइल नीति लागू हो गया तो आप लोग शांत हो जाएंगे? आप लोगों का डोमिसाइल नीति पर ही मांग है। सबसे पहले एग्जाम से डर है आपको? एग्जाम से डर? आपको एग्जाम से डर है? एग्जाम से डर है? किसी को डर नहीं है? डर नहीं है, सिर्फ डोमिसाइल नीति खत्म कर। हम लोग की एक ही मांग है कि बाहरी भगाओ, बिहार बचाओ। अच्छा, बिहार के युवाओं को रोजगार मिले, डोमिसाइल नीति से ही डर है आपको? डोमिसाइल नीति से डर है, डोमिसाइल नीति को लागू कर दिया जाए। परीक्षा से डर नहीं है? परीक्षा से डर नहीं है, हम लोग कलम पर भरोसा है। हाँ, कलम पर भरोसा है, पूरा भरोसा है कलम पर। बिहार के प्रतिभा पर जहाँ तक चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री जो बयान उठाते हैं उनकी अभी तक पूरा हो सकते हैं, बायोलॉजी के टीचर हैं लेकिन इनका। अच्छा, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि ट्वीट करते हैं इस मामले पर तो 5 गलती करते हैं, 6 गलती किए हैं, गलती 5 गलती किए हैं। हाँ, जरूर किए हैं। जो बीपीएससी जो बिहार का है, हाले सोचिए तो क्या समझेंगे आपकी दर्द, उसको इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल, वीडियो को हम लंबा करना भी नहीं चाहते हैं। एक बात मैं रखना चाहता हूँ कि अगर उनको यहाँ के अभ्यर्थियों में भरोसा नहीं है तो हम अभ्यर्थियों को भी अपने नेता पे भरोसा नहीं है। हाँ, हम लोग भी चाहते हैं उनके डिग्री पर भी। बिल्कुल, हम लोग चाहते हैं कि बयान चेंज कर रहे हैं वाली पर, बार बार बयान चेंज कर रहे हैं। बीपीएससी एक स्वतंत्र आयोग था बिहार में, आज ये बीपीएससी पे हम लोगों को शर्म आता है। जिस बीपीएससी पे पूरे बिहार को भरोसा था, आज वो बीपीएससी भी सरकार के कठपुतली बन के बिहार के युवाओं को भविष्य बर्बाद कर रहा है। अरे एक बार दो बार संशोधन होता है भाई जी, 12 बार संशोधन नहीं होता है, अब बार बार नियम बदल देते हैं। अरे आपका आयोग में बैठे जो शिक्षित लोग हैं, जब वो पढ़ा लिखा नहीं है तो आप कैसे बात करते हैं? और इतने बिहार की जो सबसे बड़ी आयोग है, बिहार की जो सबसे बड़ी परीक्षा होती है वो बीपीएससी की होती है, और ऐसा नियम बनाते हैं आप लोग कि एक ही नियम बनाते हैं, एक बार बैठ के 20 लोग नियम बनाते हैं और बार बार उसको 8 दिन में ही संशोधन करना पड़ता है। तो बाकी आप लोग क्या कुछ सोच रहे हैं इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।